विराट कोहली की जगह कौन लेगा, इस टेस्ट में बड़े सवाल उठ रहे थे। केएल राहुल आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, उसी अंदाज में खेला जाएगा और अपना अंदाज भी बरकरार रखा जाएगा। केएल राहुल नंबर चार पर आए थे, सबको लगा था कि पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन टीम इंडिया जब ट्रबल में थी ऐसा लगा एक वक्त को कि मुश्किल में फंसी, तब इसी केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की जोड़ी ने टीम इंडिया को बाहर निकाला। मैं हूं सब मेरे साथ फारूक। टीम इंडिया का पहला सेशन कंप्लीट हो गया। इस पहले सेशन में एक बार फिर से वही 300 ऊपर का रन रेट, हाँ जो रूट का एक विकेट और कहीं ना कहीं इंडिया फंसी और फिर विराट कोहली के तौर पर जगह पर आ पाए केएल राहुल आए। हाँ मतलब कह सकते हैं कि सेशन जो था वो इंडिया का रहा, क्योंकि दो ही विकेट गिरी और दो विकेट गिरना ठीक है पर सेशन में, बट अगर जायसवाल की सेंचुरी आ जाती तो ज्यादा बेहतर होता, मतलब अच्छा लगता है। एक पावर पैक स्टार्ट थी, उसको एक अच्छी फिनिश मिल जाती, लेकिन स्टिल 80 रन इज नॉट बैड और यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी पोजिशन पर इंडिया है फिलहाल और दोनों सेट बैट्समैन है, तो वी होप कि अक्सर हमने देखा है जब एक सेट बैट्समैन दोनों रहते हैं खड़े और ब्रेक होता है लंच के बाद आते हैं वो फिर बॉलिंग टीम का फायदा होता है, थोड़ा सा मुश्किल आती है, बट वी होप कि ऐसा कुछ ना हो और ठीक ठाक रन चल रहा है और यहाँ से मतलब इंडिया 400 के आसपास भी अगर रन टच कर देती है तो इंग्लैंड के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बहुत ज्यादा। उम्मीद करूंगा कि मैं इंडिया चौथी इनिंग में बैटिंग करने आएगी। केएल राहुल 50 जड़ चुके हैं, 55 रन बना लिए इन्होंने और श्रेयस अय्यर की बात करूं तो ये भी उस तरफ जा रहे हैं, छक्का लगा चुके हैं, वो अटैकिंग स्टाइल 57 गेंद 34 रन इन्होंने मारे। ओवरऑल अगर सेशन देखें 27 ओवर में 103 रन आए हैं, महज दो विकेट में से एक विकेट जो रूट के बहुत कम यूटिलाइज कर रहे हैं। आप देखो रेहान अच्छी बॉल कर रहे हैं, 3 ओवर के बाद जब दोबारा से अभी बॉलिंग करने और कल सिर्फ अच्छी बॉल, हाँ कल टॉम हार्टली रेगुलर दिया गया, नहीं टॉम हार्टली आज भी ज्यादा बॉलिंग करी, टॉम हार्टली पर ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है ये दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं ये है कि आपको रूट को थोड़ा सा ज्यादा बॉलिंग करने की जरूरत है, एक्सपीरियंस अच्छा खासा है उन्हें और रेहान जिस तरह से बॉलिंग करें और खास करके अभी जब दोनों राइट हैंडेड बैट्समैन खेल रहे हैं बिल्कुल इस टाइम पर रेहान ज्यादा बेहतर और ज्यादा आक्रामक बन सकते हैं, हालांकि हार्टली भी ठीक है लेकिन हार्टली अभी तक उतने अग्रेसिव दिखे नहीं और उनकी बॉल भी स्पिन नहीं हो रही है, अप्रोच से उतने अग्रेसिव नहीं दिखे हैं हार्टली, तो यहाँ पर अगर इंग्लैंड को विकेट लेनी है तो शायद जो रूट पर और रेहान पर थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्ट करना होगा और वहां से कुछ निकल सकता है। बाकी दूसरी तरफ अगर देखेंगे बॉलिंग में तो मार्क वुड ने अच्छा खासा परेशान किया स्टार्टिंग में श्रेयस अय्यर, लेकिन मैं एक चीज उस टाइम भी कह रहा था कि इंग्लैंड की स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है, लेकिन नहीं ये थोड़ा सा ना घबरा गए, आप अगर सिंगल पेसर देखिए, इंडिया भी भाई इंडिया भी आपको दो पेसर के साथ खेल रहा है ऑब्वियसली और 3 स्पिनर के साथ खेल रहा है, आप एक स्पिनर और उसका सॉरी 4 स्पिनर और एक पेसर के साथ खेल रहे हो, मतलब अफगानिस्तान का लाइन अप लेकर खेल रहे हो, अफगानिस्तान 4 स्पिनर बट अफगानिस्तान के स्पिनर है चारों के चारों बहुत खतरनाक स्पिनर है और यहाँ पर आकर के आप सोचिए आप इंडिया आ रहे हैं और आप एक पेसर और 4 स्पिनर आ गए जो कि वो खुद इंडिया टीम दो पेसर को लेकर के आ रही है, आपके पास ऑस्ट्रेलिया आपके पास पेस है आपकी वो स्ट्रेंथ है, आप कहीं भी जाओ मार्क वुड के पास वो स्ट्रेंथ है कि वो 148 तो आप रख सकते हो दूसरा पेसर, 3 स्पिनर्स ठीक है आपको, अगर चारों स्पिनर रखकर सोच रहे हो चारों कोने से अटैक करेंगे तो वैसा नहीं हो रहा और नहीं इतना भी नहीं हो रहा है, कम से कम अभी तो नहीं हो रहा है, तो आप इसकी जगह पर दो पेसर रख सकते थे और 3 स्पिनर चलता आपके पास। गिल लेफ्ट आर्म बॉलर के अगेंस्ट 8 बार आउट हो चुके हैं, 23 का एवरेज और आज फिर वही, और टॉम हार्टली का पहला विकेट शुभमन गिल के तौर पर आया। फारूक की जो बात पेसर वाली श्रेयस अय्यर के लिए वो बिल्कुल लागू होती थी, लेकिन क्या वाकई में क्योंकि स्टार्टिंग में देखा मार्क वुड अपनी बाउंसर से श्रेयस अय्यर को परेशान कर रहे थे, केएल राहुल को बाउंसर से परेशान होते हैं और मतलब इंडियन बैटिंग लाइनअप को आप देख सकते हो, आप पेसर्स के अगेंस्ट आप यूज कर सकते हो लेकिन आपने वही पिच को पढ़ने में गलती, पिच को पढ़ने में या फिर और पिच में ही टैक्टिक्स लगाने में कहीं ना कहीं गलती कर दी। हालांकि शुभमन गिल की जो आपने बात करी, शुभमन गिल के लिए ये देखिए ये टाइम आ गया जब प्रेशर दिख रहा है शुभमन पर, दिख रहा है कि उनको पता है अगर वो यहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो कुछ टाइम के लिए बाहर चले जाएं, और देखिए अभी जो कंपटीशन चल रहा है टीम में, आप गिल को बाहर करोगे वहाँ गायकवाड़ इंतजार में बैठे हैं, आप गिल को बाहर करोगे वहाँ पटीदार इंतजार में बैठे हैं, किसी को इंतजार करने की जरूरत नहीं, कोहली आते ही राहुल ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब वैसे भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास चलो कोहली मैं लॉन्ग टर्म की भी अगर बात करूं तो खिलाड़ी आपके पास बैठा है जो कभी भी रिप्लेस करने को तैयार है, अगर हाँ सरफराज खान को अभी भी सेंचुरी मार दी फिर 161 खेल दिए, तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा भी लड़खड़ा दिए, T20 में पहले ही टीम ने कह दिया कि जायसवाल हमारी प्रायोरिटी है, आपको वहां पर वैसे ही सेकंड पर रख दिया गया, यहाँ पर राहुल द्रविड़ आप पर काफी ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं और प्लेयर्स को भी काफी भरोसा, केविन पीटरसन कह रहे थे कि गिल में वो बात है लेकिन दिख नहीं रहा, यहाँ पर राहुल को मेहनत करने की जरूरत है गिल पर, लेकिन अगर वो चीज नहीं दिखेगी तो फिर वो टाइम दूर नहीं है जब आप गिल को सिर्फ ODI फॉर्मेट में देखेंगे और दोनों जगह
उनको फिर परफॉर्म करके वापस आना पड़ेगा और काफी मुश्किल होता है कि कमबैक इतनी आसान चीज होती नहीं है क्योंकि कमबैक में क्या होता है देखो आपके पास दो चीजें हैं पहले तो आप खुद बहुत तगड़ा परफॉर्म करो दूसरी बात आप ये दुआ करो कि आपकी जगह जो खेल रहा है आप देखिए ना दो नाम हमारे पास है अर्जुन के रहाने हो गए चेतेश्वर पुजारा हो गए इतने बड़े नाम पुजारा परफॉर्म कर रहे हैं तो इतने बड़े नाम हैं फिर भी वापस नहीं आ पा रहे हैं तो एक बार मान लिया कि पुजारा आप उस पॉइंट पर आ गए जहां पर रिटायरमेंट एज है उनकी बहुत जल्दी रिटायर हो जाएंगे लेकिन स्टिल आपको कम बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप टीम में नहीं हो तो बिल्कुल अब देखिए जैसे ऋषभ पंत आएंगे ऋषभ पंत एक्सीडेंट हुआ तब बाहर गए बट स्टिल ऋषभ पंत अगर आएंगे तो वहां पर किसकी जगह खराब होगी या ऋषभ पंत कितनी आसानी से ईशान किशन के एग्जांपल देख लीजिए ईशान किशन बाहर गए अब उनको कम बैक करना कितना मुश्किल हो सकता है क्योंकि आप ईशान किशन को देख ही नहीं रहे हो किसी भी स्कीम ऑफ क्रिकेट नहीं देख रहे हो उसके बाद अब वो भी आपको वापस आते हुए नहीं दिख रहे किशन ने परफॉर्म तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में किया वर्ल्ड कप में दो मैच खेले 1-0 लेकिन उसमें कोई भी नहीं चला रहा रोहित भी 0 पे आउट है तो दूसरे मैच में परफॉर्म किया एशिया कप में जब मौका मिला तब परफॉर्म किया उन्होंने मतलब परफॉर्म उन्होंने किया बावजूद इसके नहीं किया और अलग अलग जगह पर किया है हाँ। आपने वो पाकिस्तान के खिलाफ याद कीजिए वो हार्दिक पांड्या के साथ खड़े होकर जो बनाया था एशिया कप के अंदर एशिया कप के अंदर फिर उसके बाद आप चाहे ओपन कराओ वन डाउन कराओ नीचे कराओ वो हर जगह पर उन्होंने रन बनाए उन्होंने परफॉर्म करा है अपने आप को लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि अब जो गिल जिस पोजीशन पर है यहाँ से किस तरह से वो अपने आप को टीम में रहते हुए कमबैक कर ले वो बेहतर है क्योंकि अगर एक बार बाहर निकल गए तो दोस्त कहानी वापस आने मुश्किल होती है वापस आना इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो रहा है इस टेस्ट में क्योंकि जैसे जैसे बात चल रही है अगर रन वाकई में फारूक की बात बताऊं तो 400 वाले पहुंच गए तो फिर दुआ यही करेंगे कि इंडिया को चौथे इनिंग में बैटिंग करनी ना पड़े बाकी आपको क्या लगता है कि यहां से अब कितने रन और बन सकते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें जो आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।